एक नई लाइन निकली है, गायब हो गया, 2 करोड़ युवाओं का रोजगार गायब हो गया, किसानों को सही दाम गायब हो गया, 15 लाख रुपए का जो वायदा था, पैसा जो बैंक अकाउंट में आना था वो गायब हो गया, किसानों के बीमा का पैसा गायब हो गया, नोटबंदी और जीएसटी में कारोबार गायब हो गया, ढोकलाम गायब हो गया, और राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई। मीडिया के बारे में कहा जाता है कि हम आप पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्योंकि राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई, मगर जिसने 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसके बारे में फाइल में साफ लिखा है कि पैरेलल नेगोशिएशन हो रहा था, उनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। बेसिक आइडिया है कि किसी चीज को भी मरोड़कर बदलकर नरेंद्र मोदी जी का बचाव करना है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। सरकार का सिर्फ एक काम है, जो चौकीदार है उसको मतलब बचा के रखना। बताइए कोई सवाल हो, आप कानूनी तौर पर जो करना चाहते हैं करिए, बट न्याय सबके लिए होना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं ये गायब हो गए कागज, अगर ये कागज गायब हुए हैं तो ये कागज सच्चे हैं, ये झूठे तो नहीं है, आप ही एक्सेप्ट कर रहे हो, सही बात है ना? तो आप ही एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये कागज सही है। कागज में साफ लिखा है नरेंद्र मोदी पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा था, कागज में साफ लिखा है कि प्राइस बढ़ाई गई है, और किसी एक व्यक्ति ने नहीं, सब लोगों ने कहा है, नेगोशिएशन टीम ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने बाईपास सर्जरी की है। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है प्रधानमंत्री ने मुझे सीधा कह दिया कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। तो आप बताइए, आप कार्रवाई कीजिए, कागजों पे कार्रवाई कीजिए, मगर इन पे भी तो कीजिए जिनका नाम कागज में आ रहा है। रोजगार गायब है, किसान का मतलब जो सही रेट मिलना था वो गायब है, ढोकलाम गायब हो गया, ये तो इस सरकार का काम ही है गायब करना। उसी फाइल में लिखा है और हमने आपको कागज दिखाए हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पैरेलल नेगोशिएशन ने राफेल की डिलीवरी शेड्यूल को रिटार्ट किया है। हमारी डील में राफेल पहले आता, हम अगर आप कागज देखना चाहते, मैंने दिखाया है, हम आपको फिर से दिखा देंगे, रणदीप जी आज दिखा देना, जहां साफ लिखा है, नेगोशिएशन टीम ने लिखा है कि राफेल का हवाई जहाज इस डील में बाद में आएगा। प्रधानमंत्री जाके कहते हैं कि भैया राफेल टाइम पे आ जाता, राफेल इसलिए टाइम पे नहीं आया क्योंकि आप अनिल अंबानी को पैसा देना चाह रहे थे, रियलिटी तो ये है। और मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार के डॉक्यूमेंट्स में है, आपको दिखा देंगे, आप मोदी जी को भी दिखा देना। प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं 1:30 बजे रात को सीबीआई चीफ को हटाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको वापस डालो, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने फिर से हटा दिया। तो कुछ ना कुछ तो है, आप कीजिए, जो भी इंक्वायरी करनी है आप कीजिए, सब पे कीजिए, मगर प्राइम मिनिस्टर पे भी कीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने राफेल डील को डिले किया, प्राइम मिनिस्टर ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डाले, डिफेंस मिनिस्ट्री के मतलब कागजों में लिखा है, परिकर जी ने अपना मतलब क्लियर कट बोला है कि मैं ब्लैकमेल कर रहा हूं, ऑडियो टेप है आपको सुनाई है मैंने, उनके मंत्रियों ने कहा है कि यहां पे मतलब गोवा के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, वहां भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उनके पास फाइल कैसे पड़ी है, करिए, सब पे कीजिए, बट प्राइम मिनिस्टर पे भी कीजिए। देखिए वो जो रियलिटी है, पैसा कहां गया है, वो आस्ते आस्ते आ जाएगा, बट मेन बात है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के फाइल में, आप ब्यूरोक्रेसी को समझते हो, डिफेंस मिनिस्ट्री की फाइल में निगोशिएशन टीम के लोग जब लिखते हैं पीएमओ इज कैरिंग आउट पैरेलल नेगोशिएशन, वो पैरेलल नेगोशिएशन क्यों हो रहा है, ऐसे ही मतलब मजे के लिए हो रहा है, उसका कोई कारण होगा ना, नहीं तो आप उनको करने दीजिए अपना काम, जो नेगोशिएशन टीम है अगर आप उनको काम करने देंगे वो काम करेंगे, आप उसमें दखल क्यों डाल रहे हैं, कोई ना कोई कारण तो है, और कारण यह है कि आप अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए देना चाहते थे, और वो सिर्फ आप अनिल अंबानी को नहीं देना चाहते थे, उससे आपका भी फायदा होगा। अरे भाई अगर वो कह रहे हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ये डॉक्यूमेंट्स हैं और उस पर हम FIR लगाएंगे, तो फिर इस पर आप क्यों नहीं लगा रहे हैं,
उसमें तो साफ लिखा है ना, उसमें जब आप पीएमओ यूज करते हैं, पीएमओ का मतलब क्या, पीएमओ का मतलब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए. इट्स अ केस, ब्लेटेंट केस ऑफ करप्शन. इट इज रिटन देयर क्लियरली दैट द प्राइम मिनिस्टर, पीएमओ डज नॉट मीन पीएमओ, पीएमओ मीन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी. इन डिफेंस मिनिस्ट्री फाइल्स इज क्लियरली रिटन दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज कैरिंग आउट पैरेलल नेगोशिएशन. सो व्हाई शुड देयर नॉट बी अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन? व्हाई इज द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन? हिंदुस्तान में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सब पे हो सकता है जो पीएम का विरोध विरोध करते हैं, मगर क्लियर कट जब प्रधानमंत्री का नाम आता है तो कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता. मेरा मेन कहना है कि क्लियर, पहले आप सबने कहा कि राफेल में कुछ नहीं है, आपने कहा था. आस्ते आस्ते हमने आपको दिखाया कि राफेल में घोटाला हुआ है, और एंड में हिंदू अखबार ने क्लियरली दिखाया है कि राफेल में प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखा है, वहां पे डिफेंस मिनिस्ट्री के फाइल में लिखा है प्राइम मिनिस्टर इज कैरिंग आउट negotiations. उसमें इंडिकेट किया है प्राइम मिनिस्टर शुड डू द negotiations, हमें परे कर दो, वो लिखा है वहां पे. तो ये क्लियर कट केस है. अब ये भी है कि राफेल हवाई जहाज का दाम बढ़ाया गया है, वो भी उस कागज में लिखा है. ये भी है कि राफेल की डिलीवरी शेड्यूल डिले की गई है, वो भी उसमें लिखा है. तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है. मुझे नहीं समझ आ रही बात, प्रधानमंत्री स्वयं इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराते हैं? अगर प्राइम मिनिस्टर इज नॉट गिल्टी, देन व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर सिंह मैं कर रहा हूं, वो स्वयं क्यों नहीं कह रहे कि हां भैया मैं नहीं डरता किसी से, मैं इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. हमने जब जेपीसी की मांग की, उन्होंने रिफ्यूज क्यों किया? अरुण जेटली के साथ इंगेजमेंट हुआ मेरा, उन्होंने कहा बड़ी बड़ी भाषा बड़ी बड़ी भाषण दे रहे थे, मैंने कहा भैया जेपीसी करा दीजिए. आपने देखा ना कि जेपीसी कराने से भाग गए. तो अगर इसमें कुछ नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर स्वयं ये क्यों नहीं कहते भैया कराओ इन्वेस्टिगेशन, मैं देश का चौकीदार हूं, मैंने चोरी नहीं की है, कराओ इन्वेस्टिगेशन.